दक्षिण नागपुर स्थित चंदन नगर में श्री सप्तगिरी स्कूल की ओर से वार्षिक गैदरिंग का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने अपनी कला को पेश किया। आइए डालते हैं एक नजर। अगर हम किसी भी क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत सही मायने में स्कूली जीवन से प्रारंभ होती है, चाहे फिर वो स्कूल की ओर से खेल प्रतियोगिता हो या हो फिर डांस, गायन, एनसीसी आदि। स्कूल के विद्यार्थियों को अपनी कला पेश करने का मौका दक्षिण नागपुर के श्री सप्तगिरी स्कूल की ओर से वार्षिक गैदरिंग के अवसर पर दिया गया, जिसका विद्यार्थियों ने अच्छा फायदा उठाकर अपनी अलग अलग कला को पेश किया। आइए डालते हैं एक नज़र श्री सप्तगिरी स्कूल के विद्यार्थियों की पेश की गई कुछ झलकियाँ। Just stupid fellow, that is what I thought. Time. Making people fall in love, no other word or what. Time. Got to know him better when you enter the plot, 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 plot. Thanks to his idea, you're my honey bunny. बच्चे मन के सच्चे होते हैं। हर छोटे बच्चों को अपनी बचपन की स्कूल और अच्छे बुरे मास्टर जी और मैडम याद जरूर आते हैं। श्री सप्तगिरी स्कूल के कृष्णा एरावार, योगिता गनोजे, भक्ति एरावार के साथ साथ विद्यार्थियों के अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, INBCN न्यूज नागपुर। शाळा सुरू करून 12 वर्ष झाले आहे। 2007 मध्ये आपण ही शाळा सुरू केली होती, त्यावेळेस पहिल्या वर्षी आपल्याकडे 22 विद्यार्थ्यांपासून मी सुरू केला होता। कारण असं करता करता एक छोटासा झाड लावला होता, छोटासा एक पौधा लावला होता, ते आज विशाल वृक्ष होऊन 300 वर विद्यार्थी आहे आपल्या शाळेत। 1500 स्क्वेअर फीटमध्ये आपली शाळा चालत आहे। नर्सरी KG1 KG2 क्लासमध्ये 50 स्ट्रेंथ असते क्लासची। प्रत्येक क्लासमध्ये मी 2 टीचरचा एक प्रोव्हिजन केलेला आहे। आणि विद्यार्थ्यांना आम्ही आमच्या शाळेकडून आम्ही असा विचार केला आहे की जितकं कमी झालं कमीत कमी होमवर्क देऊ, आणि जितकंही प्रिपरेशन आहे पूर्ण शाळेकडूनच आम्ही कम्प्लीट करण्याचा प्रयत्नात राहत आहोत। तर आता 5th to 7th आहे नर्सरीपासून, 23 लोकांचा स्टाफ आहे। पॅरेंट्सही आपल्या नगर आपल्या वस्तीतले गरीब जे विद्यार्थी आहे त्यांच्याकडे काही करावं, आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी काही करावं, याच कारणास्तव आपण हे कॉन्व्हेंट सुरू केली होती।